हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड केयर टू कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत स्वेटर लेकर के आई हूँ। देखिए, इसे मैंने अभी हाफ बनाया है। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी और गला और बॉर्डर बनाना। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लुक आया है स्वेटर का। बिल्कुल मोतियों जैसी डिजाइन इसमें बन करके आई है। जो मैंने इसमें डिजाइन डाला है, दो तरह की डिजाइन डाली है। एक छोटी मोती जैसा लुक आएगा, एक डिजाइन जो हमने डाली है उससे बड़ी मोती का लुक आएगा। जैसे लगेगा कि मोतिया पिरो के स्वेटर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर स्वेटर का लुक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए, जैसे कोई वीडियो मेरी चल रही है इस तरह से, तो यहाँ पे ये फोटो के सामने सब्सक्राइब बटन बन करके आएगा। उसको जब क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और पास में जो घंटी बनी है उसको, उस पर जब ऑल क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और मेरी और सारी वीडियो देखने के लिए जब आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरी सभी वीडियो ओपन हो जाएंगी। अपने चैनल पर बहुत तरह की वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ पर जा करके मेरी कोई भी वीडियो आराम से देख सकते हैं। एज की बात करें तो ये 8 से 12 साल के बच्चे को आराम से हो जाएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक कलर से क्रोशिया पे गांठ लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 62 चेन बनाएंगे। टोटल हमने यहाँ पे 62 चेन बनाई है। और यहाँ पे क्रोशिया की बात करें तो हम यहाँ पे 7 नंबर की क्रोशिया से हम इसको बना रहे हैं। अगर आप इसे कम नंबर की क्रोशिया से बना रहे हैं तो 5 या 6 चेन या 8 चेन आप और बढ़ा लीजिए। अब हम यहाँ पे 3 चेन स्किप करेंगे और क्रोशिया पे लूप लेंगे और चौथी चेन में डालेंगे क्रोशिया को। पूरी रो हमें डबल क्रोशिया से बुननी है तो उसके लिए हम क्रोशिया पे लूप लिए हैं और फिर चौथी चेन में क्रोशिया को डाला है। फिर लूप लेके बाहर आएंगे, फिर दो दो चेन दो बार में निकालेंगे, दो दो फंदे। हमें डबल क्रोशिया लूप लिया क्रोशिया पे, फिर हम चेन के अंदर डालेंगे, लूप लेके बाहर आएंगे, फिर दो फंदे एक बार में, फिर दो फंदे एक बार में। ये हमारी डबल क्रोशिया होती है। जितनी भी चेन है तब में हमें डबल क्रोशिया बुन लेनी है। टोटल यहाँ पे हमने 62 चेन बनाई है। ये आराम से 8 से 12 साल के बच्चे को आराम से ये टॉप हो जाएगी। कि हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया हमने एक रो में बुन ली है। अब नेक्स्ट रो बुनने के लिए फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद टर्न हो जाएंगे और फिर उसी फर्स्ट चेन में ही डाल करके हम डबल क्रोशिया निकालेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम पूरी रो डबल क्रोशिया से बुनेंगे। तो टोटल हम 4 रो यहाँ पे डबल क्रोशिया की हम बुनेंगे। सभी चेन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। जो ऊपर चेन देख रही है उसी में हमें डबल क्रोशिया बुनना है, गैप के अंदर हमें नहीं बुनना है। देखिए, हमने यहाँ पे टोटल 4 रो हमने डबल क्रोशिया की हमने बुन ली है। अब हम यहाँ पे व्हाइट कलर के उनको जोड़ेंगे और यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। आप चाहे तो जिस बच्चे के अगर टॉप बना रहे हैं उस बच्चे की कोई टॉप या स्वेटर हो तो उसकी चौड़ाई के बराबर आप उतनी लंबाई की चेन बना लीजिए। हमने यहाँ पे व्हाइट कलर जोड़ लिया है। हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम टर्न हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में यहाँ पे उसमें उसी गैप में नहीं बनाएंगे, उसके नेक्स्ट चेन में डाल करके हम फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और यहाँ पे हम क्रोशिया पे लूप लेंगे। क्रोशिया को इस तरह से जो गैप है साइड में उसके अंदर से डाल के फिर लूप लेके उसी गैप से फिर हम इस तरह से बाहर आएंगे। एक बार, ये दो बार फिर लूप लिया, फिर गैप पीछे लूप लेके बाहर आए, तीन, फिर ये चार, इस तरह से हम चार बार निकाल लेंगे। फिर सभी फंदों को हम एक बार में निकालेंगे। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी तरह से लूप ले करके चार बार बिना बुने हम क्रोशिया को पीछे डाल के निकाल लेंगे। सभी फंदों को हम रोके रहेंगे क्रोशिया पे, दो लूप लेना है गैप में डाल के पीछे से, फिर लूप लेके बाहर आना है, इस तरह से हमें चार बार करना है। और फिर जो जितने फंदे होंगे हमारे इस पे सबको हम एक बार में निकाल के फिर एक चेन बना के इसको क्लोज करेंगे। फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर इसी तरह से चार बार हम ये गैप में से पीछे की ओर डालेंगे क्रोशिया को, फिर गैप में से बाहर आएंगे और सभी फंदों को एक बार में फिर निकाल के एक चेन बना के इसको क्लोज करेंगे। इस तरह से हमारा ये शेप बनता चला जाएगा। इसी तरह से मैं पूरी रो में बुन लेना है, एक 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 चेन स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बना के फिर उसमें इस तरह की डिजाइन बनानी है। यहाँ पे हमारे टोटल 62 चेन हमने बनाई थी, तो एक आगे हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बच गई हमारे 60 चेन। और एक एक चेन स्किप करेंगे तो हमारी 30 चेन में 30 ये डिजाइन बनेगी। अब हम आगे की रो ब्लैक कलर से बुनेंगे, जिस साइड हमारा ब्लैक कलर उधर से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे, स्टार्टिंग में केवल तीन चेन बनाना है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो गैप है डिजाइन के साइड वाला, इस गैप में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो डिजाइन के साइड में जो चेन दिख रही है यहाँ पे, इसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी जो डिजाइन बना हुआ है इसके इधर साइड में जो चेन है उसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें सभी में हमें दो दो डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो टोटल हमारी 30 डिजाइन है, दो दो डबल क्रोशिया बनेगी, तो 60 डबल क्रोशिया हो जाएगी। और स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे तीन चेन बनाई है और लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी दो मिला के, दो मिला के 62 चेन हो जाएगी। इस तरह से बन करके आएगा, इसके बाद हम तीन रो और कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया, नीचे से व्हाइट कलर को हम ले करके और यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम तीन चेन बना लेंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी उसी गैप में, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पे हमारी हो गई है। चौथी चेन में हम डालें यहाँ पे डालेंगे, तीसरी चेन में देखिए तीन चेन वाली हमारी एक डबल क्रोशिया हुई, फिर एक डबल क्रोशिया ये नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाई है, तीन डबल क्रोशिया हो गई। चेन में डाल के जो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हम पूरा नहीं बुनेंगे, केवल एक बार में दो फंदे निकालेंगे, बाकी दो फंदों को रोक लेंगे। फिर इसी में फिर हम इसी तरह से एक बार डालेंगे, फिर दो फंदों को रोक लेंगे। तो हम यहाँ पे पांच जो डबल क्रोशिया बुनेंगे वो पूरी नहीं बुनेंगे। जैसे डबल क्रोशिया में हम दो दो फंदे दो बार निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल एक बार में दो फंदा निकालेंगे, बाकी फंदों को हम रोक लेंगे। देखिए हम यहाँ पर हमने पांच बार हमने डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बुनी है, उसके बाद हम सारे फंदों को एक बार में निकाल लेंगे, फिर एक चेन बना के इसको बंद करेंगे। इस तरह से ये बन के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे, तब ये इस तरह से जब हम इसको प्रेस करेंगे उंगली से तो गोल सा बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से दूसरी साइड से देखेंगे ऐसा गोल सा बन के आएगा। तो ये हमारा उल्टा साइड है, इधर से हम प्रेस करेंगे तो उधर हमारा गोल बन करके आएगा। तो हम किसी साइड से भी प्रेस करें, उधर से भी प्रेस करेंगे, इधर इधर साइड में गोल बन के आएगा। लेकिन हम बनाते समय देखेंगे कि हमारा ये जो बुनाई जो हमने की है वो हमारी सीधी साइड में आए। इसी तरह से हम बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे बीच में हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है, तो एक डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं, ये दो डबल क्रोशिया हो गई,
ये तीन और ये चार डबल क्रोशिया। और पांचवी वाली चेन में हम फिर इस तरह से हम पूंछ बनाएंगे, पांच बार निकालेंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और ये पांच, एक ही चेन में हमें इस तरह से हमें निकाल लेना पांच बार। इसके सभी को हम एक बार में निकाल लेंगे, इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर हम चार डबल क्रोशिया बुन लेंगे उसके आगे चार चेन में। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें केवल तीन डबल क्रोशिया बनानी है और लास्ट में हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में हमें चार चार डबल क्रोशिया बनानी है और ये डिजाइन बनाना है नेक्स्ट चेन में। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आ गया। इसको प्रेस करेंगे पीछे दूसरी साइड में, इस तरह से गोल से बंद करके आ जाएगा। जिस साइड से हमारा सीधा पड़ेगा तो व्हाइट कलर हम उसी साइड से हम जोड़ करके हम बुनना शुरू करेंगे, जिधर हमारा सीधा आएगा उधर ही से हम स्टार्ट करेंगे अब डिजाइन बनाना। इसी तरह से हम पूरी रो में हम बना लेंगे। इस डिजाइन को हम बबल स्टिच बोलते हैं, ये बबल की तरह गोल गोल सा बन करके आएगा। तो टोटल यहाँ पे 12 इस तरह के ये बबल्स बनेंगे। स्टार्टिंग में तीन डबल क्रोशिया रहेगी, लास्ट में तीन डबल क्रोशिया, बीच में चार चार डबल क्रोशिया और एक एक बबल। देखिए हमने पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है, इस तरह से बन के आएगा। अब हम एक रो यहाँ पे पूरे में हम डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे एक रो व्हाइट कलर से ही। हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, उसके बाद हम टर्न हो जाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद अब हम इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो पुफ के साइड में आप अच्छे चेन दिख रही है, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो इसके बाद में यहाँ पे ये दिख रही है चेन, तो जो हमारा ये बबल बना हुआ है इसके दोनों साइड की चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाकी जो हमारी चेन दिखेगी उसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ पुफ के यहाँ साइड में जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया बना फिर लेंगे। दूसरी साइड में इधर भी जो भी चेन दिख रही है बीच में उसमें हम डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। ये ध्यान रखना जो हमारा बबल है उसके दोनों साइड में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। व्हाइट कलर से हमने जो भी डिजाइन डाली है टोटल 7 यहाँ पे डिजाइन बनी है। तो आपको जितनी लंबाई का बनाना है उस अकॉर्डिंग आप अपनी लंबाई कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह से बना के। देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है, दूर से देखने पर जैसे लग रहा है मोतियां लगी हुई है छोटी छोटी। ऐसी डिजाइन है बिल्कुल उभरी हुई डिजाइन ये मालूम देती है। बबल स्टिच जो मैंने इसमें डाली है और जो नीचे वाली डिजाइन है वो भी बहुत खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है स्वेटर को पहनने पे। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल 17 इंच लंबाई से मैंने बनाया है देखिए, और इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 15.5 इंच। ये देखिए
इससे हमारा आगे का पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट भी हम इतनी ही लंबाई चौड़ाई का हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कोई कंधे नहीं घटा रहे हैं, दोनों पार्ट सेम एक जैसा एक बराबर बनाएंगे बिना कंधा घटाए। और इसकी सिलाई देखिए, हम इसका गला कैसे बनाना है हमें। इसकी सिलाई लगाने के लिए हम इसको दोनों, जो हमारा सीधा पार्ट है जिस तरह से हमारे बबल उभरे हुए आ रहे हैं उसको हम अंदर साइड में रखेंगे और उल्टे पार्ट को हम ऊपर की ओर रखेंगे। ये देखिए इसका सीधा पार्ट है, ये इस तरह से है, उल्टा पार्ट उसका नीचे है, और जो दूसरा ये है उसका उल्टा पार्ट ऊपर की ओर है। इस तरह से हम रख लेंगे दोनों को एक बराबर। हमें कितना कंधा छोड़ना है और गला कितना चौड़ा बनाना है तो देख लीजिए, कंधा छोड़ने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से हम लगभग 4 इंच का हम कंधा छोड़ेंगे। तो हम किसी भी टी शर्ट या स्वेटर के कंधे को हम नाप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाप करके हम कंधा पर हम निशान लगा लेंगे। कंची टेप से यहाँ पे हम नाप लेंगे, या फिर आप किसी टी शर्ट या स्वेटर को जिसके लिए बनाना चाहते हैं उसके टी शर्ट या स्वेटर को रख करके जितने कंधा उसमें ऊपर की ओर हो, गले से जितना छूटा हो कंधा, उतनी दूरी पे यहाँ पे नाप के निशान लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे हम 4 इंच छोड़ रहे हैं कंधे के लिए, जहाँ पे हमारा 4 इंच दिख रहा है यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगा देंगे या फिर किसी दूसरे कलर की उनको हम यहाँ पे बांध देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी यहाँ 4 इंच छोड़ करके यहाँ पर भी हम सेफ्टी पिन या दूसरे कलर की उनको हम यहाँ पे बांध देंगे ताकि हमारा मार्क हो जाए, तो बीच में हमारी जो जगह छुट्टी है वो हमारी गले के लिए हो जाएगा। इधर इतनी दूर की हम सिलाई लगा लेंगे किनारे से लेकर के ये बीच में, यहाँ तक जहाँ पे हमने सेफ्टी पिन लगाया यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। सुई धागे की सहायता से इसकी सिलाई लगा लें या फिर हम क्रोशिया की सहायता से, जैसा आपको इजी लगता हो फिर आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। फिर यहाँ पे हम ये बाजू के लिए हम जगह छोड़ेंगे, तो आप यहाँ पे 6.5 से 7 इंच की जगह छोड़ दीजिए, इतनी जगह पर्याप्त होती है किसी भी बाजू के लिए। यहाँ पे हम 7 इंच छोड़ रहे हैं, देखिए ऊपर से नाप के यहाँ पे 7 इंच, यहाँ पे जहाँ से हमारा ये व्हाइट वाला नीचे शुरू हुआ ये डिजाइन, यहाँ तक के हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम मार्क लगा के उसके यहाँ से नीचे तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे इधर दोनों साइड में। दूसरी साइड में इसी तरह से हम 7 इंच की छोड़ करके ऊपर से मतलब नीचे की ओर हम उधर से भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कोई गंदा घटाया नहीं है तो बिल्कुल चौकोर सा हमें बना करके, और फिर साइड में इस तरह से हमें कंधे पे ऊपर और नीचे यहाँ बाजू के नीचे से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे जहाँ हमने निशान लगाया यहाँ से हम इसको सुई की सहायता से हम इसको सिल लेंगे उसके कलर की ऊन से। इस तरह से हर चेन में डाल डाल के निकाल करके हम इसको दोनों साइड से हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। गांठ लगा ली, फिर दोनों साइड को एक साथ में सिलना है। इधर से हम डालेंगे दूसरी साइड, दूसरे वाले जो हमारा पार्ट है उसमें भी डाल के हम निकाल लेंगे सुई को, दोनों साइड में इधर उधर करके हम इसको सिल लेंगे सुई से। इसी तरह से हम दूसरी साइड का कंधा भी सिल लेंगे जहां तक हमने मार्क लगाया वहां तक, और फिर नीचे बाजू से नीचे की सिलाई हम सिल लेंगे दोनों साइड में। तो हम सिलाई लगा लेंगे, हमारा ये हाफ स्वेटर की तरह बनके तैयार हो गया है। देखिए हमने स्वेटर सिल करके हमने तैयार कर लिया है, ये कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से बबल गोल गोल से बन के आएंगे। आप चाहे तो इस तरह से बबल के केवल डिजाइन डालकर, जो बबल डिजाइन डाल के पूरी स्वेटर आप बना सकते हैं, या फिर जो दूसरी डिजाइन डाली है वो भी डिजाइन डालकर आप स्वेटर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ चार चार रो ब्लैक कलर की बनाई है,
आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, 3 रो, 4 रो, 6 रो, जितनी चौड़ाई के बीच में रखना चाहते हैं ब्लैक कलर को उतनी चौड़ाई पे आप रख करके व्हाइट कलर से फिर दूसरी डिजाइन आप बना लीजिए। बहुत ही सुंदर इसका लुक है, बहुत ही प्यारा स्वेटर है। इसको आप ऐसे हाफ भी पहन सकती हैं। उसके दूसरे पार्ट में आपको बाजू बनाना बताएंगे और गले को कैसे ठीक करना है, शेप देना है, वो भी हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। प्लीज फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।